कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को बताएंगे, कब से लाइन में खड़े हैं? 10 बजे से खड़े हैं, सुबह 8 बजे से आकर खड़े हैं भैया। बहुत दिक्कत हो रहा है हमको, सुबह से आए हैं अभी तक, बहुत दिक्कत हो रही है एकदम। 5 घंटे हो गए, लोग बोल रहे हैं 9 बजे से लाइन पे लगे। भारी परेशानी हो रही है भैया, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। एक टिकट के लिए करीबन 3.5 घंटे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। रायपुर में होने वाले पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए भले ही टिकट की दर ज़्यादा रखी गई हो, लेकिन उसके बाद भी क्रिकेट फैंस में उत्साह में कोई कमी नहीं है। दो कैटेगरी अलग अलग रखी गई थी, एक जनरल कैटेगरीज है जो सभी के लिए अवेलेबल है, साथ ही एक स्टूडेंट कैटेगरी रखी गई है जो 1000 रुपये में है। और स्टूडेंट कैटेगरी को लेकर कितनी ज़्यादा दीवानगी, आप ये देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं पीछे इतनी लंबी लाइन, ये लगी है स्टूडेंट कैटेगरी की टिकट्स लेने के लिए। आज स्टूडेंट कैटेगरी टिकट्स मिलेगी, यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ की अलग अलग लाइन लगाई गई है और काउंटर भी 2 बनाए गए हैं, लेकिन उत्साह इतना ज़्यादा है कि लाइन जो है काफ़ी लंबी लग चुकी है। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को बताएंगे, कब से लाइन में खड़े हैं? 10 बजे से खड़े हैं, सुबह 10:30 बजे से ये 10 बजे से खड़े हैं। कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं यहाँ पर, हाँ बताइए आप लोग कब से लाइन में खड़े हैं और क्या कहेंगे, कितनी व्यवस्था है? सुबह 8 बजे से आकर खड़े हैं भैया, बहुत दिक्कत हो रहा है हमको, सुबह से आए हैं अभी तक, नाश्ता उस्ता भी नहीं किया, खाना पीना भी नहीं हुआ है हम लोग का। क्या लगता है काउंटर बढ़ाया जाना चाहिए? तो बढ़ाना जाना चाहिए जी। देखिए ये स्टूडेंट कैटेगरी, गर्ल्स की लाइन अलग है, गर्ल्स से भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आप लोग कब से लाइन में लगे बताइए, कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है एकदम, 5 घंटे हो गए, लोग बोल रहे हैं 9 बजे से लाइन पे लगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत है लेने में, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। देखिए बॉयज की लाइन अलग है, ये गर्ल्स की लाइन है, कितने आप लोग कितने बजे से खड़े हैं, कितनी परेशानी हो रही कुछ बताएंगे आप लोग का? सर अभी तो आए हुए 1 घंटा लगा है मेरे को, और बहुत टाइम से मैं यहीं पे घूम रही थी लाइन में लगने के लिए, फिर बाद में तब जाके लाइन में लगी हूँ। क्या लगता है काउंटर बढ़ाना चाहिए? तो हाँ शायद। देखिए स्टूडेंट कैटेगरी के 2 ही काउंटर है, आपको बता दूं, पीछे दिखाऊंगा मैं आपको कि स्टूडेंट कैटेगरी के लिए सिर्फ 2 ही काउंटर बनाए गए हैं, और इसके अलावा 2 और जो काउंटर खोले गए हैं वो इधर आप देख सकते हैं, ये सामान्य कैटेगरी के लिए काउंटर खोले गए हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएँ की गई है वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, टिकट लेने जो लोग पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत करते बताइए क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? भारी परेशानी हो रही है भैया, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। एक टिकट के लिए करीबन 3.5 घंटे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। एक टिकट के लिए सर दिन भर लग जा रहा है, 11 बजे से आ रहे हैं, 6 बजे, मतलब ऐसा लग रहा है कि टिकट मिलेगा हमको, मतलब इतना घटिया व्यवस्था किए हैं। क्या लगता है पर्याप्त काउंटर खोले गए कि और खोलना चाहिए था? नहीं और खोलना चाहिए था सर, क्योंकि 50,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम की और 30,000 तो कम से कम टिकट बेच रहे हैं लोग ऑनलाइन, तो 4 काउंटर में कहाँ कैसे आप बेच पाएंगे? देखिए ये काउंटर्स हैं यहाँ पर, जनरल कैटेगरी के जो काउंटर्स हैं 2 ही काउंटर है, अपर स्टैंड और लोअर स्टैंड में भी, और साफ दर्शकों से हमने बात की, स्टूडेंट से भी बात की, सबका कहना है कि काउंटर्स की संख्या जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में टिकटें बिकी है, और इस लिहाज से काउंटर्स की संख्या जो है बढ़नी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से यदि व्यवस्थाएँ चलते रहेंगी तो एक एक टिकट लेने में 4 से 5 घंटे तक लग सकते हैं। और क्रिकेट फैंस का मानना है कि भले टिकट दर ज़्यादा है लेकिन क्रिकेट को लेकर काफ़ी उत्साह है, इसीलिए उन्होंने टिकट खरीदा है, ऑनलाइन बुक किया है, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पर है उससे काफ़ी नाराज़ हैं, और उनका मानना है कि इसमें व्यवस्थाएँ में सुधार होनी चाहिए। यहाँ दिक्कत हो रही है आप लोग को क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत है, 2 घंटे से खड़े लाइन में, टिकट मिल नहीं रहे, काउंटर भी कम कर दिए हैं इस बार, क्या बोलूं, रेट भी बढ़ाए हैं कुछ स्टूडेंट का, हाँ रेट बढ़ाए, पिछले बार 500 था, इस बार 1000 कर दिए हैं। तो देख सकते हैं कितनी दिक्कत हो रही है, इनको टिकट मिली उनसे बातचीत करते, कितनी देर बाद आपको टिकट मिली है? 2 घंटे बाद। देखिए 2 घंटे बाद फाइनली उनको टिकट मिल गया और इस बात की खुशी है। तो लोग लगातार क्रिकेट फैन से हमने बातचीत की है, जो दर्शक यहाँ मैच देखने के लिए टिकट लेने के लिए आए हैं, इसमें स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स का भी मानना है, आम लोगों का भी मानना है कि काउंटर्स की जो संख्या है वो बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 4 काउंटर हैं जिसमें 2 स्टूडेंट के लिए और 2 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, और इनका सभी ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि काउंटर्स बढ़ाए जाने चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि इतना बड़ा मैच हो रहा है और उसके लिए सिर्फ 4 काउंटर्स खोले गए हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस पर अपना कमेंट कीजिए, इस वीडियो पे अपना कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप IBC 24 के YouTube चैनल के लिए कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ मैं स्टार जैन।